दिल्ली में कोई भी अच्छा काम हो तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी उसका श्रेय लेने के लिए दोनों पार्टियों की आपस में जंग छिड़ जाती है, लेकिन अगर जनता को कोई परेशानी हो तो दोनों पार्टियां अपना अपना पल्ला झाड़ लेती हैं। आदर्श नगर विधानसभा के वार्ड 16 में भी यही नज़ारा देखने को मिला, जब नेशनल इंडिया न्यूज़ की टीम लोगों की समस्याओं को जानने के लिए वार्ड 16 के ए ब्लॉक में पहुंची तो लोगों के गुस्से का गुब्बार नेताओं पर फूटा। किसी ने गंदगी के लिए निगम पार्षद को जिम्मेदार ठहराया तो किसी ने विधायक को जो गलियों में गेट लगाने का वादा किया था उसको लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की। लोगों ने नेशनल इंडिया न्यूज की टीम को गली गली और पार्क पार्क में घुमाया और वहां की हालात दिखाए। लोगों ने बताया कि हमारी गलियों में नाली का गंदा पानी भर जाता है, चलने फिरने में दिक्कत आती है, पार्कों की हालत भी खस्ता है, कोई भी वहां जाने से कतराता है। ए ब्लॉक 200 वाली गली के निवासियों ने बताया कि विधायक ने उनसे वादा किया था कि हमारी गली में लोहे वाले गेट लगवाएंगे, लेकिन वो अभी तक नहीं लगे, जिससे हमारे यहाँ चोरी की वारदात होने लगी है। आवारा किस्म के लोग भी पूरे दिन बैठे रहते हैं। जब हमने लोगों से पीने के पानी के बारे में पूछा तो कहा कि पीने का पानी तो यहाँ आता ही नहीं, जो नलों से आता है वह इतना गंदा होता है कि पीने लायक ही नहीं। लोगों की समस्या से बहुत है आपको बता दें, लेकिन देखने वाली बात ही होगी कि इन समस्याओं का निवारण कैसे होगा। आइए आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। इस समय हमारा ये ब्लॉक जहांगीरपुरी के अंदर बहुत हालात खराब है, कोई भी सफाई कर्मचारी नहीं आता, कोई क्या कंडीशन है आपने देख ही ली, बहुत परेशान है। कभी पार्क के अंदर माली नहीं आते, कभी पार्क की रिपेयरिंग नहीं हुई, कोई बहुत किस्म की परेशानियाँ हैं, तो थोड़ा आप लोग कुछ हेल्प करें हमारी। सर एक तब तो गवर्नमेंट कहते हैं जागरूक तो अपने यहाँ सफाइयाँ रखो, अब ये गवर्नमेंट ही सफाई नहीं करेगी तो बीमारियाँ तो अपने आप फैलेंगी, बुखार होंगे, बच्चे बीमार होंगे, फिर कहेंगे जी आप अपना ध्यान नहीं रखते। पहले आप यहाँ अपने तो आप सफाई पर ध्यान दो ना, जब भी तो पब्लिक साहब अपना भी ध्यान करेगी ना। काफ़ी टाइम तो मुझे मेरे को 4 महीने या मेरे को अगर 5 महीने या मकान में 4-5 महीने इस कंडी, जब कोई यहाँ कोई दत्त हो जाता है कोई सफाई करवाया तो करने आ जाते हैं, वैसे कोई झांकता भी नहीं इस मंदिर के आगे। रात को देखो सारे चूहे नाचते रहते हैं सर, बिल्ले बना के चूहे चूहे इतनी तगड़ी तगड़ी, कोई घर को चूहे घर के अंदर घुस जाते हैं। ये बीमारी करते है ना सर, बढ़ाई क्या शिकायत क्या करो सर, आते हैं आते सफाई करके चले जाते हैं, फिर कुछ कुछ सुनवाई नहीं होती है। जब ऐसा जी ये 400-300 वाली गली है, इसमें ना तो पार्कों में सफाई होती है, ना नालियों की ना गलियों की, और जो गैर कानूनी काम है इस यहाँ पे हो रहे, मंदिर बन रहे, वो बन रहे, ये बन रहे है, यहाँ इस गली में आए दिन चोरी होती है, ना तो कि पुलिस सुनवाई करती है, यहाँ पे ना कोई गेट लगता। सुमन शर्मा जी के पास जा के कहते हैं हमें टाइम पे टाइम देती जा रही है, आगे कोई सुनवाई नहीं होती। कल को कोई बच्चे के चाकू मार जाए, कोई गुंडे यहाँ घूमते हैं, 10 बजे के बाद यहाँ गुंडों का ग्रुप हो जाता है, गांजा पियेंगे, सिगरेट पियेंगे, गालियां गलोचियां करेंगे। रही पार्कों की बात, पार्क देख लीजिए, पार्कों का क्या कितना बुरा हाल है। अगर हम कहते हैं करेंगे इसलिए मसला हल करेंगे, अब नहीं करेंगे, कब करेंगे? जब डेंगू हो जाएगा, बच्चे घरों में मौतें होंगी, जब करेंगे? ये काम सरकार को करना चाहिए, जो आम पब्लिक के हक का होता है, और ये सरकार ही नहीं हमारा सुनेगी तो फिर कौन सुनेगा? ये काम हमें जरूरी चाहिए। एक तो गलियों में जो हमारी गली में गेट नहीं लगा वो चाहिए, और जो गैर कानूनी काम होते हैं, लड़के गांजा पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, फिर गाली गलोची करते, वो दूसरी बात। ये पार्कों की बात है, और यहाँ पार्क की सफाई भी होनी चाहिए। ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट और बेनती है। बगियंटिया बोलिए। मेरे को यहाँ बुलाया गया उसने, और बुला के उसने मेरी रिकॉर्डिंग की है, और के पहले तो कहने लगा ये ईंटें पड़ी है तो मेरे को पैसे दिलाओ, तो मैंने कहा मैं नहीं दिलाती पैसे उसे किसी से, तो फिर आने मैंने कहा गाली बकने लग गई, तो मैं कहा सफाई उपाई करा, कहते और बोलो और रिकॉर्डिंग कर रहे हैं मेरी, मैं कुछ सफाई तो करा दो, कुछ तो करा दो इसकी, मैं कुछ तो करा दो, कोई यहाँ हमारी सुनाई नहीं है, नहीं जी बिल्कुल भी कोई सुनाई नहीं है। पार्क वारक की सफाई करवाने के लिए कोई नहीं आता, कोई नहीं आता। हाँ बताइए शिकायत कब की? देख लो आप, ये दिखा रखी मैंने तो आपको, कितने भी है ये तो 3-4 महीने हो गए ना, तीन चार महीने हो गए और अब तक कोई सुनने का वो नहीं है। 10 बार वो हमारी आते हैं और कह दिए अब करवा देंगे, कई तो इसमें गिर गए आदमी, बताओ क्या, और कोई नाला फाला देखो, सारी पब्लिक वो है, तो बोल रहा हूँ मैं यार, तो कोई सुनाई नहीं है किसी से। पार्क का हाल देखो क्या और रखा है, किसी को बोलते हैं कोई सुनता ही नहीं है, तो क्या फ़ायदा हुआ बताओ।
हम तो परेशान है, खुद खुद गली के हैं, ये सारे गली के तो हैं, ये बाहर का तो है नहीं, कोई घरों में घुस जाता है और बस ऐसे तसले करते हैं, वो सब क्या बताएं। फिर आ जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं कि हाँ जी भाई साहब, ये 4 महीने हो गए इसको, निगम पार्षद 3-4 बार यहाँ से निकल के गए लेकिन उसको नाली नहीं दिखी अभी तक, और कम से कम 20 कंप्लेंट कर चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं है। पार्क देखो कितना गंदा पड़ा है, कोई सफाई कर्मचारी नहीं आता, अगर बोलो तो बोलते हैं कि हमें पैसा दो हम साफ करेंगे, अब बताओ कहाँ जाएं। इसके अंदर 2-3 बंदे गिर गए पहले से, सफाई कर्मचारी नाली निकालने का पैसा, इसको साफ करने का पैसा, कहाँ से पैसा देंगे। पानी तो इतना गंदा पानी है कि हम खाली बिजली का खरीद के पी रहे हैं, ये पीने लायक पानी नहीं आ रहा बिल्कुल भी, और नहा भी नहीं सकते, इतना गंदा और बदबूदार पानी है। पानी के लिए कंप्लेंट करी थी लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। निगम पार्षद के पास गए थे, बोला था कि भाई जरा पानी का देखो, तो उन्होंने कुछ नहीं देखा, तो हमने तो उन्हीं को बोला था ना, वो आगे करेंगे। मेरे को यहाँ बुलाया गया उसने, और बुला के उसने मेरी रिकॉर्डिंग की है, और के पहले तो कहने लगा ये ईंटें पड़ी है तो मेरे को पैसे दिलाओ, तो मैंने कहा मैं नहीं दिलाती पैसे उसे किसी से, तो फिर आने मैंने कहा गाली बकने लग गई, तो मैं कहा सफाई उपाई करा, कहते और बोलो और रिकॉर्डिंग कर रहे हैं मेरी, मैं कुछ सफाई तो करा दो, कुछ तो करा दो इसकी, मैं कुछ तो करा दो, कोई हमारी सुनाई नहीं है, नहीं जी बिल्कुल भी कोई सुनाई नहीं है। पार्क वारक की सफाई करवाने के लिए कोई नहीं आता, कोई नहीं आता। कभी बीजेपी ये कहती है कि आम आदमी पार्टी में सपोर्ट नहीं कर रही है, कभी आम आदमी पार्टी ये कहती है कि बीजेपी हमें सपोर्ट नहीं कर रही है, लेकिन इन दोनों के पीछे पिसती है तो एक जनता, जनता ही हमेशा पिसती है, क्योंकि उसको परेशानी होती है, उसके आसपास जो भी दिक्कत होती है उसको सारी समस्या का हल किसी से निकल नहीं पाता है। अब इस वक्त हम खड़े हैं वार्ड नंबर 18 के अंदर, और यहाँ आप देखेंगे समस्या बहुत हैं, यहाँ इतना पानी भरा हुआ था अभी थोड़ी देर पहले जब हम आए थे, लेकिन अभी अभी निकला है, और यहाँ के जो लोग बताते हैं अपनी परेशानियों को कि यहाँ पर पूरी गली के अंदर पानी भर जाता है, लेकिन अब थोड़ा पानी कम हो गया है। हम गली के जो लोग हैं उनसे ही बात करते हैं, आप बताएं। अरे भैया पूरे दिन यहाँ पे पानी भरा रहता है, साफ करने को बुलाते हैं तो कोई साफ करने तो आता नहीं है, एक दिन आएंगे 3 दिन नहीं आएंगे, बुला बुला के थक जाते हैं, और छोटे छोटे बच्चे हैं, गणपति बिठा रखे हैं, तभी गन की इतनी पड़ी रहती है, और घर में मच्छर बड़े बड़े काटते हैं, और बच्चे छोटे छोटे हैं मेरे, इन भैया को कह कह के मैं साफ़ करवाती हूँ तभी नहीं ऐसा बात होता है, तभी ऐसी गंदगी रखते हैं, कभी साफ़ करने नहीं आते हैं, जब भी बुलाते हैं तभी कह रहे हैं आज आऊँगा कल आऊँगा, आज साफ करके गया, वो भैया ने रिपोर्ट कर दी है तो आज साफ करके गया, नहीं तो ऐसे ही कहेगा क्या भी आ रहा हुआ है, भी आ रहा, जब इनको पता चल गया ना कि आ रहे हैं साफ करने तभी आते हैं, तभी आए आज, नहीं तो आते नहीं है, ऐसे बुलाने से भी नहीं आएंगे, लेकिन आज रिपोर्ट कर दिए ना तो ये आके साफ करके चले गए दिखाने के लिए कि हम साफ करके जाते हैं, लेकिन साफ कोई नहीं करता, खाली गंदगी करते रखते हैं, पानी भर के रखते हैं, 2-3 दिन हो जाए नाली ऐसे ही गंदगी रहती है, साफ नहीं करते कभी भी। और क्या क्या आप लोग जाके कभी कंप्लेंट करते हैं इधर? नहीं करी कंप्लेंट हमने, 2-3 दफा करी लेकिन सुनवाई नहीं करी किसी ने, आज सुनवाई करी, हमारी जब जाके आज निकाली है नाली तो कूड़ा भी पड़ा रहता है 10-10, 15-15 दिन उठाने नहीं आते, शाम तक फिर इधर भर जाता है इतना इतना, छोटे छोटे देखो बच्चे हमारे, ये देखो कभी भूखाल आ जाता है, कभी कुछ बीमार पड़ते, कभी कुछ बीमार पड़ते, हम तो गरीब आदमी कहाँ से पूरा करेंगे, डेंगू मलेरिया इधर हो गया इतने बड़े बड़े, और हम रोज के रोज कंप्लेंट दे रहे कोई नहीं सुनवाई कर रहा है, और नाली में फिर बार बार नाली भर जाती है ये। तो यहाँ कभी नेता वगैरह जो हैं, कभी नेता वगैरह के भी आके देखते हैं? नेता जब देखते हैं, जब उनको वोट चाहिए होता है उसी टाइम देखते हैं, रोज शाम की मैं 3 दिन से यहाँ पे वीडियो भेज रहा हूँ उनको, वीडियो बना के शाम को यहाँ से पानी यहाँ जाएगा नहीं यहाँ रहेगा, त्यौहार का टाइम चल रहा है, गणेश जी हमने अंदर बिठा रखे हैं, और अंदर यहाँ पानी भर जाता है तो अंदर गंद जाता है, ये इस मकान के अंदर देखोगे पूरा पूरा पानी भरा हुआ है नाली का, जिसके अंदर इतने मच्छर हो गए हैं जिसकी वजह से बीमारियाँ यहाँ पे पड़ोस में फैल रही हैं, ऐसा ही सारा हाल ये पार्क का भी है, कोई सा भी ये एमसीडी का पार्क देख लो कोई भी वो सफाई नहीं वो करता, जो अपने हाथ से कुछ कर लेता है तो सफाई हो जाती, नहीं तो कुछ नहीं होती। अब आगे या पीछे ये पार्क की हालत देखोगे क्या हालत हो रही है, ऐसे ही आगे पार्कों की हालत हो रही है, पीछे गलियों में नालियों की हालत देखोगे तो बहुत बुरा हाल हो रहा है, पुलिया ऐसी टूटी हुई है, कह रहा है कि पुलिया कह रहा है हमने फाइलें भेज दी हैं, ऐसी फाइलें बता कौन सा वो टेंडर पास करवा रहे हैं, कम से कम भी 6 महीने से वो पुलिया को बनाया नहीं जा रहा, जहाँ पे वो बात है पानी आगे नहीं जाएगा तो यहाँ पे पानी रुकेगा ही रुकेगा, लेकिन उनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कह रहे आ रहे हैं, उनको बुलाने जाओ लड़का भेज दिया,
लड़का उधर काम कर रहा है, बस इनके पास बहाने सारे हैं और उनका भेज देते हैं, कोई यहाँ पे कोई भी नहीं सुन रहा है। बस ये राम भरोसे चल रहा है, कब आएंगे जब वोट चाहिए होंगे तो हाथ जोड़ के कि हम हफ्ते के अंदर आएंगे, आपकी गलियां चेक करेंगे, मीटिंग करेंगे। वो मीटिंग तो आज तक कभी ही हुई नहीं है, बस वो मीटिंग उसी टाइम ही होती है जो बातचीत में होती है। आप पीने की बात करें तो आप क्या कहते हैं, पीने का पानी की व्यवस्था कैसी है? बेकार आता पानी, बेकार आता, हम खरीद के पीते हैं पानी, खरीद के पीते हैं। और वाला जो पानी होता है नहीं का पानी से कुछ नहीं सही आता, काला काला आता है, कभी पीला आता है, कभी ऐसा आता है। वो बच्चों को हम नहीं पिलाते हैं, सारी नालियों पानी के उसमें लाइन में घुस गई है, हमको पानी नसीब हो रहा है। मोहल्ले से पानी, वरना गटर का पानी आता काला काला, वरना पीला पीला पानी आता, लेटरिन जैसी बदबू आती है पानी में। मोल का पानी ले लो 30 रुपए का, हम तो गरीब आदमी है। देखिए समस्याएं दोनों तरफ से हैं, पानी की भी गंदगी की भी, लेकिन दिक्कत यह है कि इनकी समस्या का हल करेगा कौन? कभी बीजेपी नहीं सुनती है तो कभी आम आदमी नहीं सुनती है, और जो जनता है इन दोनों के पार्टों के पीछे पिसती जा रही है। ललित लोधवाल, नेशनल।